नमस्कार नमस्कार हम अमित ठाकुर प्राइम टाइम में अहाँ स्वागत करै छी। प्रदेश नंबर दू के प्रदेश सभा के तेसर अधिवेशन के बैसार सब अइ बीच में आब सुचारू भ रहल छै। आई के बैसार प्रदेश सभा में बजायल गेल रहै, लेकिन आइयो के बैसार स्थगित कयल गेलै। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न मांग सब लऽ कऽ प्रदेश नंबर दू के बैसार अवरुद्ध करैत आबि रहल अछि। आखिर बैसार अवरुद्ध क की हेतै, अवरुद्ध कर के कारण की छै आ एकरा निवारण केना क के कयल जेतै, आइ के प्राइम टाइम में हम सब यह विषय पर बातचीत करब। आइ के लेल हमरा सबके साथ में छथि नेपाली कांग्रेसक प्रदेश नंबर दू प्रदेश सभा सदस्य नरेश यादव जी छथि, तहिना संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सँ प्रदेश सभा सदस्य अशोक यादव जी छथि। दुनू गोटे के बहुत बहुत स्वागत अछि, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी से शुरू करै छी। अवरुद्ध विभिन्न मांग सब लक कर रहल छी, मांग सब पर एबे करब, लेकिन ई अवरोध केला से कतेक फायदा अहाँ सबके बुझाइए? नीक बात तो नहीं छै? अवरोध केला से तो वास्तव में नीक बात नहीं है, लेकिन अइ के विकल्प जे है से कोनो दोसर बात होना चाही। अवरोध भ रहल है तो अइ पर सरकारो जे है से कनी बुझना चाही जे कि अवरोध केला भ रहल है, अवरोध नहीं होते तो बढ़िया होते, से सरकार के पक्ष से सत्ता के पक्ष से साफ है, ओइ पर जे है से कोनो इंटरेस्ट नहीं भ रहल है। बीपी उद्यान के बात आबि रहल छै लगायत, ओइ के बाहेक की कारण से अहाँ सब अवरोध जना रहल छी? बीपी उद्यान तो भेबे कैल, ओइ के बावजूद अपने के जेना अइ सरकार में भ्रष्टाचारी के एकटा जे है से चरम सीमा जे है से नाघि रहल है विभिन्न दृष्टिकोण से हम आबि रहल छी ओहि सब पर कोन कोन हिसाब से। जेना अपने के अखनी लगभग 13 करोड़ रुपया ओहि पर एबे करब, लेकिन एखन पहिले कारण बुझले छी ने कैला कैला भ रहल छै। एगो कहली अपने बीपी उद्यान, दोसर भ्रष्टाचार, तेसर की छै कि या दू गो मुद्दा लऽ कऽ अहाँ सब विरोध करब? नहि नहि, वएह दूटा नहि, आरो बहुत मांग सब एहन मांग सब छै जे सरकार दरे जे है से वार्ता होइ छै, ई बात पर सहमति होना चाही, लेकिन ओहि के बाद जे छै उठला के बाद तुरंत जे है से ओ फेर वार्ता जे है से विफल भऽ जाय, एहि बात सबके लऽ कऽ अपने के जे भऽ रहल है। अशोक जी, सत्ता पक्ष में अहाँ सब छियै, सदन बढ़िया जगह चले, कनिक जिम्मेवारी अहूँ सबके छै, एकदम एकदम, तो बार बार विरोध भ रहल छै, कैला नहि पहल कऽ दऽ? देखिए एकर खास करके मेन कारण की छै, देखिए प्रदेश नंबर दू में अपने के हमरा सबके जे फोरम और अपने के राजपा के जे लाइन्स के जे सरकार छै, खास करके माले और अपने के जे कांग्रेस के छै साथी सब, इनका सबके बुझल जाओ तऽ आँख के नींद इनका सबके मतलब हरा गेल छै। देखिए ई सरकार के जे काज छै ई तऽ अपने के जग जाहिर है ने, मधेश के जनता तऽ देख रहल छै, बहुत अच्छा ढंग से देख रहल छै, जे हमरा सबके जे विभिन्न एन अपने के निजामती एन अपने के खास कर प्रहरी एन है ना लगायत, बहुत एहन अपने के जे काज सब छै, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान, तऽ ई सब जे काज सब मधेश के जनता बहुत भली भांति सब चीज देख रहल छै। कि विगत मे अपने के जे देखले होबै, अपने के 46 साल से लेके जे अपने के कांग्रेस एकदम पहल, एकदम हमसब तो पहल करिए रहल छी ना, हमसब तो बार बार एकर अपने के मीटिंग करके छलफल करके शीर्ष नेता सबके बैस के एकर बैसार करके एकर निकास निकलि जाइए, एकदम डायरेक्ट अपने मतलब कोनो एहन मतलब अपने के की होइ छै कि जे अपने आरोप लगा के विभिन्न ढंग के होइ छै ना, प्रतिपक्ष के विभिन्न ढंग के आरोप लगा के अपने के बैठक के विरोध करनाइ है ना, विभिन्न हमनी सबके बहुत एहन काज करे के बाकी छै, सब आदमी के सहयोग से सब आदमी के मिल के हमरा सबके प्रदेश के अगाड़ी बढ़ाबे के छै, और खास करके इस सबके सोच हम जे देख रहल छी अपने के संघीयता के अपने के बुझल कि अपने के खत्म करे के लेल, संघीयता के कमजोर करे के लेल विभिन्न ढंग के षड्यंत्र छै। अभी के अवस्था में सब आदमी के मिलजुल के आगाड़ी बढ़ाबे के चाही प्रदेश के विकास से लेके, पहल कर रहल छी, प्रतिपक्ष नहीं मान रहल, नहीं मान रहल छी अपने देख रहल छी। ठीक, नरेश जी उनकर बात के जवाब अहाँ दियौ, अहाँ सब केला नहीं मान रहल छी, पहल तो ओ सब कह रहल छथि, कहि रहल छथि सामने में, प्रमुख बात भेलै जे कि वास्तव में सरकार जे बढ़िया काम कर रहल है, हिनका सब अपच भ रहल है, तो कौन कौन बढ़िया काम हिनका तो गना देलकै, फलना 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 काम, बेटी बचाओ बेटी बचाओ अभियान बढ़िया है, अपना आप में बहुत सुंदर कार्यक्रम है, एकरा जे सराहना कऽ सकै है सब कऽ सकै है, हमहूँ सब करै छी व्यक्तिगत रूप से, हमरा सबके पार्टी सेहो जे है ओहिमे कऽ रहल है, लेकिन ओकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के एकर पूर्ण रूप में एकदम सार्वजनिकीकरण कऽ कऽ कतऽ कतऽ अहाँ सब की कऽ रहल छी, केना कऽ अहाँ सब जा रहल छी, ताहि बात के हमसब बार बार हाउसो में उठा रहल छी, लेकिन ओहि बात पर जे है सरकारी पक्ष से
कोनो भी छै लेकिन जेना विरोध भक बैठके अवरुद्ध भ रहल छै बैठक बैसै तैके बाद अइ विषय पर बहस होई छलफल होई हाउस के भीतर ई एगो बढ़िया प्रक्रिया हेते ने अइ दिस सेहो पहल कदमी अहु सब के कह देबे के चाही अवरोध क के त कोनो निष्कर्ष एखन तक नै निकल रहल नै नै उ अपने के क्या बेर भेलै अवरुद्ध होई है तकर बाद हे जे सभामुख जी मान लिया ओ ये बात करे है सरकारो पक्ष रे मान लिया बात होय छै जे कि बात चलो जी चलबो करे है लेकिन फिर की होय छै त ओ पछुल के जगह पर जाय छै सरकार पछुल के जगह पर चल लबे कत चल जाय छै मतलब जेना भेले ने बात बढ़ले क्या बेरी अपने के जे छै अवरुद्ध करे के प्रक्रिया आगारी भेले उठले प्रतिपक्ष सब जे छै उठले हमहु सब मान लिया उठली कांग्रेसो के लेकिन ओय मन बात होय छै जे कि ठीक है ई बात के जे छै बैठ के समझदारी केल जा चलो दियो चलले दो तीन बेर अहाँ के अवरुद्ध के बावजूदो जे चलले हमू सब ओहिमे मान लिया सहयोग के लिए लेकिन ओहि के बाद जे अहाँके बैठक भेलै बैठक भऽ के जे निष्कर्ष निकले है ओहि निष्कर्ष के कारण नहि होइ छै अशोक जी देखिए बहस करे से डरा रहल छी कि नहीं एकदम अपने के ई बहस के छलफल के विषय मतलब कोई भी समस्या कोई भी मतलब अपने के प्रतिपक्ष के लोग के कोई बात उठाबै छै तऽ बहस करे के चाही छलफल करे के चाही लेकिन खास करके देखिए की छै अभी जे बहुत बार अपने सुनित होबै मीडिया के भी मार्फत से केन्द्र के अपने के जे प्रचंड जी द्वारा आ रहल है कि जे प्रदेश नंबर 2 को सरकार नहीं मतलब उगर नहीं ना तो इनका सबके सोचे मतलब इनका सबके फर्क छै कि सिर्फ सरकार के गिराओ है कि ना सरकार में मतलब कौन ढंग से जे हमरा सबके जे ई लाग रहल है जैसे कि जे सदियों से शासक जे हम सब जे कहित रहली इतने बड़ा संघर्ष कैली इतने बड़ा आंदोलन कैली और उनका सबके जे सोचाई रही आई हम सब इतने बड़ा संघर्ष करके जे उपलब्धि मिलल छै ये उपलब्धि के अपने के संस्थागत करित आगे के लेल हमरा सबके बढ़ के चाही से सोच बनाबे के जाय छै साथी सबके हम सब तो आग्रह करबै कि ई प्रदेश में आखिर में जे हमरा सबके इतने बड़ा संघर्ष के बाद अपने के जे थोड़ा मोड़ा हम इस सबके उपलब्धि बुझे बहुत ज्यादा जे हमरा सबके जे मांग छै हमरा सबके जे परिवर्तन के करे के समय में हम सब बहुत हेते मतलब एहन एहन एजेंडा सब जे भेलै सहमति भेलै लेकिन अभी वो सब बाकी छै अभी तत्काल हमरा सबके प्रदेश में जे हम सब एकटा विगत में जे शुरुआत के समय से साथी सबसे सहयोग भेलै लेकिन इनका सबके अब संघ से केंद्र से ही प्रेशर करके सरकार के असफल कर जाए सरकार के दुनिया प्रदेश के सरकार के गिराएल जाए एहन सदन सब हो रहा एक एक मतलब में रहल दू गो बड़का दल तो विरोध में है जी 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 नेपाली कांग्रेस आ नेकपा दुनू मिलकर विरोध कर एकदम 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 इनका सब सोचे छे कि प्रदेश के अपने के सरकार के मतलब कमजोर करे के गिराबे के सोच मेन उनका ऐसा के गिराबे के हिसाब से बैठक नहीं चल रहा छे हां या कौन सा हमरा तो मनसा से तो वही लाग रहा छे ना एकदम उनका सब सोचे हुए छे कि ना बैठक मतलब जे जब विरोध करके समस्या समाधान तो नहीं होते अपने के ई समस्या के लिए तो छलफल कर जेना नरेश जी कहो कि ना छलफल होइ छै निष्कर्ष जे निकलै छै ओके कारण दिस अहाँ सब आगा नहीं बढ़ै छी एकदम देख लो इनका सब एकदम आरोप है कि नहीं आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है बैठक करके छलफल करके जो जे हमरा सबके जे मतलब डिसीजन कोई होइ छै कोई निष्कर्ष निकलै छै तो ओहि पर तऽ चलू पड़तै ना चलिए रहल छै अभी तक जे अवस्था छै ओहि हिसाब से चलि रहल छै देखल जाए अभी के अवस्था जे छै जेनाकि हमरा सबके देखियौ ई प्रदेश में मेन पावर के बहुत कमी छै विभिन्न ढंग के जे विकास के ही मतलब योजना सब छै ओ भी अवरोध होय के अवस्था में छै कि ना ओहि तरफ सब साथी सबके ध्यान देबे अभी अभी के समय जरा लाग रहल छै कि ना और उस तरफ ध्यान नहीं दे के खास करके ये अपने के सरकार के हेरफेर में जहाँ केंद्र के भी नेता सबके देखिए राष्ट्रीय लेवल के संघीय नेता सबके भी वही ढंग के अपने के बात अबे हमरा सबके जना शंका के विषय बन रहा है एक लिए हम आग्रह करबे साथी सबके मिल के और आगारी बढ़ावे के लेकिन कोई भी समस्या के मतलब वार्ता के द्वारा छलफल के द्वारा समाधान करके आगारी बढ़ावे के पड़े नरेश जी सरकार गिराबे के लिए अहाँ सब विरोध करे कि वास्तव में बातचीत हो के लिए आगा बढ़ रहा है ई बिल्कुल गलत बात है सरकार जे है से गिराबक के लेल सरकार केना गिरते एकटा बात सुना चाहिए अखन जे हिनका सबके कथी कहै छै फोरम के आ राजा पाके जे छै तऽ हुनका सबके पूर्ण बहुमत है तऽ ओ सरकार गिरे के तऽ संभव नहि छै विपक्षी दल के हैसियत सँ कांग्रेस के एकटा कथी कहै छै प्रदेश सभा के सदस्य के हैसियत सँ जे कि मानि लिअ ई बात जे छै पूर्ण रूपेण हम गलत कहब जे कि हम सब सरकार गिरबै के सरकार बनबै के पक्ष में ई आंदोलन नै है क्लियर बात परस्त भ जाउ अशोको जी के हम ई बात कहबे आ ई चैनल मार्फत हम ओहि प्रदेश के संपूर्ण जनता के बात कह जाबे ई सरकार गिरै के कोनो संभावना नै है आ हम सब ओहि संभावना के पछाड़ी छिदो नै छियै जे कि ई सरकार गिरक चाही हमरा सब के एकेटा लक्ष्य छै आब दोसर पार्टी जेना कम्युनिस्ट है अब हुनका प्रचंड जी के नाम लेत प्रचंड जी कथी कहै छथिन हुनका कार्यकर्ता से अपन बात है लेकिन हमरा सबके ओहि यमन दू नंबर प्रदेश में ई बात निश्चित भ जाओ अशोको जी और जे से जते भी अइ चैनल से जे से दर्शक सब नेता सब के हम कहै छियै हमरा सबके केंद्र से अइ प्रदेश के बारे में नकारात्मक किस्म के कोनो बात कोनो प्रेशर नहीं
नेपाली कांग्रेस सरकार गिराव पसंद नहीं है कोनो हालत में स्पष्ट हां एकदम स्पष्ट बीपी उद्यान पर आवे छी बीपी उद्यान के की लफड़ा छै अहां सब कह रहल छी उद्यान बनाबी सत्ता पक्ष कह रहल छी ओत शहीद पार्क बने छै छलफल की भ रहल छै आखिर बीपी उद्यान के बारे में अब ई बहुत मीडियाबाजी भ गेलै अपनो सब बुझिए गेलै लेकिन तइयो हम एकटा तार्किक बात की कहला चाहब बीपी उद्यान के जे ओ जमीन जे छै ने जहिया बीपी उद्यान के नाम से जे ओ जमीन जे दर्ता भेलै तऽ ओहि में अखन को अखनको ओकर लाल पट्टा में कैफियत में लिखल है ई बात जे कि यो जमीन बीपी उद्यान निर्माण बाहेक औरो काम में प्रयोजन होने न सकने ओकर लाल पट्टा के कैफियत में लिखल है जे लाल पट्टा है हमरा वाला वो हम उपलब्ध करा सके छी अखन तत्काल नहीं होते लेकिन हमरा सबके डेरा में हमरा सबके दल के कार्यालय में ओमे जब ओमे लिखल है मान ले रजिस्ट्री होय के समय में जब व्यापक छलफल भक ओ बात भेले त तै में अहां जबरदस्ती चाहे कोनो चीज करी जबरदस्ती करी सरकार के बल में करी त ओ बात जे असहनीय बात है ठीक अशोक जी एके जवाब पहिला हम लगा पर रहल छी खास करके देखियो ई जे अपने के ये बात जे आ रहल है विज्ञान वाला और देखो प्रदेश नंबर 2 के जे भी हम सब जना की जे हम सब हमरा सबके जे मधेश एक प्रदेश विभिन्न ढंग के हमरा सबके जे उस समय में आंदोलन के समय में बात रहे यहाँ के वन जंगल यहाँ के जगह अधिपत्य ये प्रदेश के लोग के होके चाहिए हमें खास करके ये कहे चाहे और इतने बड़ा मधेश महान जन विद्रोह में जो साहस दिल की इनको सबके सहयोग जहाँ तक करे के चाहे शहीद स्मारक के बात हो जाए अब जना कि हम सब अभी ये प्रदेश में कोई भी जना कि सरकार द्वारा कार्यक्रम सब मतलब संचालन हो रहा है विभिन्न ढंग के अपने के कहली ना कि बहुत एहन अपने के स्वच्छता अभियान लगा विभिन्न एहन कार्यक्रम सब हो रहा है तो इनमें आप अपने के बीपी उद्यान वाला जो बात अभी विगत में एक देश में शासन सत्ता जरा पास में जे ढंग के उनका सबके सारा कुछ उनका सबके हाथ में रहे तो उस समय में वो सब की कारण से हमारा सबको खास करके जानकारी बात कि अपने लाल पट्टा वाला बात हम सबको जानकारी नहीं है ये बात लेकिन ये बात जरूर है कि वही अपने के ई सरकार प्रदेश में दो नंबर के सरकार अपने के ओमे अपने के शहीद के स्मारक के बात से मतलब जे छै है कि न अब इनके के लेल अपने सब प्रतिबद्ध छी जो तो निर्माण हेबे करते एकदम निर्माण हम होबे करते कहला रहे यह जमीन पर कैला एतै कैला जेना कह रहल छ जे ई आई के निर्णय भ चुकल छै त दोसरो जगह क्या जना कि जना खास करके अब जे जगह के बात हो रहल छै कि न अब प्रदेश में सबसे मतलब एकटा पर्यटकीय स्थल बुझू चाहे विभिन्न हिसाब से हमरा सबके मतलब विभिन्न के मानल जाइ छै परसा के मानल जाइ छै तो ओ हिसाब से भी मतलब ओ बात मतलब हम सब अगाड़ी बढ़ा रहल छी कि ओ जगह पर शहीद के स्मारक बनक चाहिए अब इनका सबके बात अपने के बीपी उद्यान वाला बात है तो इनको सबके तक बुझे पड़े ठीक है वह उद्यान तो और भी मतलब प्रदेश में उनका बनाया जाए ना यही प्रदेश में कहला यही प्रदेश पर उस ढंग के नजरिया कहा दोनों दोनों पार्टी वो जगह छोड़ के लिए तैयार नहीं थे तो बीच के निष्कर्ष क्या निकल निष्कर्ष तो इनका सबके तो पूछा पड़ते ना मांग चलिए अभी तो बहुत एहन बात अपने के जैसे कि हम सबके जरूर करी अपने के मुख्यमंत्री कार्यालय लगाए थे हम सब जे मतलब अपने के घोषणा भेल छै आइ अपने उसमें थबे विभिन्न ढंग के मीडिया के मार्फत से चाहे अपने के हमरा सब के मंत्री जी सब बोर्ड टांग मतलब लगा दिले छथि कि न तो ई सब त अपने के प्रदेश के हरेक हिसाब से द्वंद में राख के कमजोर करे के सब मतलब षड्यंत्र सब हो रहल छै ताहि के लेल हम सब आग्रह करबै कि प्रदेश के ई अपने के संहिता के स्थापना करे के लेल मधेश के जनता सब बहुत एहन मतलब अपने के बलिदान देले छै उनका भी मान सम्मान के लेल अपने सब भी सोच देल जाओ यही हम आग्रह करे चाहबै नरेश जी बीच के रास्ता नहीं निकलते बीच के रास्ता अशोक जी के कहलखिन जे कि महान बलिदान भेलै लेकिन एकटा बात इहो कनी बुझना चाही कनी पछाड़ी दिशन फर्कियो बीपीओ कोइराला एकटा महान जे छै शहीद सब में से ओकर नाम अबै आइ बीपी कोइराला जेन बीपी कोइराला नेपाल में रहे तऽ प्रजातंत्र के लेल प्रजातंत्र स्थापना के लेल मानि लिअ जे छै आंदोलन केलकै तऽ हमरा अहाँके कम से कम ओते आंदोलन नहि करऽ पड़ल ओहि के बाद जे हम अहाँ जे आंदोलन केलिए छै लेकिन अ के देश में जे है से प्रजातंत्र होना चाहिए एक बजे के स्वतंत्रता होना चाहिए ये बीपीए को रला के अ स्थापित के लिए जे बात है उ सब आदमी बुझे मान ली दोसर बात जे कि ठीक है जरा हिंदा सबके कह भेले जे कि दूसरे अकेला ने बना लेते शहीदे पार्क भी अकेला ने होना चाहिए ठीक है होना चाहिए क्लियर बात हिंदा सबके कहे हम एक बात उदाहरण के लिए अये में चार कुर्सी है कुर्सी खाली है कुर्सी खाली है अशोक जी तो जबरदस्ती हमरा कहते अहाँ कुर्सी पर हसटू वही कुर्सी पर जाओ हमारा बैठल जे ये बात कते उचित है बात बुझना चाहिए ना जब वो कुर्सी खाली है तो वही बैठला से हेतु ना हमरे हटा के वही हमरा हटा के वही पर धा देते आनिक आबिक बैठते कथी कुर्सी में कथी लागत जबकि एक विषय में अहाँ सबके पार्टी के प्रदेश स्तर पर मात्र चर्चा भ रहा है या जे हाई कमांड अहाँ सबके नीति जी
खास करके एकटा ई प्रदेश नंबर दू छै कि जे मदेशी के मतलब के बाहुल जगह जगह मानल जाइ छै प्रदेश के बहुत बड़ा योगदान छै उनको छै प्रजातंत्र लाबे में हमही नहीं कहबै कि उनको योगदान छै लेकिन जे मदेशी जे हमरा सब के जे 63 साल से लेके अभी तक जे ढंग के आंदोलन में जति बड़ा क्षति ई देश में अपने के शासक वर्ग द्वारा जे भेलै है हमरा जनाना नहीं लाग रहल है कि अपने के जे प्रजातंत्र मिलाबे में और भी मतलब विभिन्न ढंग के आंदोलन भरी ओहि में ओहन राज्य द्वारा दमन शोषण कैल गेली ये चीज के भी मर्म के हम सब मदेशी अपन नहीं बुझबे तो कौन बुझते कि ना हमरा सब के तो अभी भी जना कि जे अपने के जे हम सब कहै छी नै माले अपने के जे कांग्रेस के संचालन तो वहीं से उनका सब के है ना उ सब भी तो मतलब चाहै छी कि प्रदेश में ई का सब के आप एक आपस में ही अलझा के वहां विवाद करके जे हमरा सब के जे अभी के व्यवस्था जे छै उ अपने के धराप में पारा के लेल ई साथी सब के सोचना जरूरी है ई मतलब मदेश के महान ई जन विद्रोह में जे साहब देले लोग के और मान सम्मान के लिए हमरा सब के उनका सम्मान के लिए अगर हम सब नहीं सोचबे त आय वाला हमरा सब के जे पुछता उ हमरा सब के ही मतलब ऊपर बहुत बड़ा एकटा प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब खड़ा करते ते के लेल ई सब जे विवाद सब छै मतलब विभिन्न नगाई मदेश भवन लगाए त हरेक जगह जे विवाद सब आ रहल है ई हमरा सब के जेना लाग रहल है सरकार लगाए हरेक कुछ के कमजोर करके और संहिता के ही खत्म करके अपने के सबके षड्यंत्र से ते में साथी सबके खास करके कोई भी पार्टी में छी लेकिन हम सब पहले मदेशी छी से भावना अपने में रख के आगारी बढ़ना जरूरी छे हम ये कहे चाहब है ई प्रश्न बात है ई प्रश्न बात है एक मिनट सुन ले ठीक है मान लिया जैसे जना संहिता के कमजोर करे वाला बात बा रहे नेपाली कांग्रेस के तरफ से ई बात है से पूर्ण रूप में विश्वस्त हो जाओ नेपाली कांग्रेस संहिता के विपक्ष में नहीं है ऐ के ल क जे कि दू नंबर प्रदेश में मधेश बाहुल प्रदेश है ई प्रदेश असफल होना चाहिए केंद्र से जैसे किछ हमरा सब के जैसे मैंने ओहन किसी से बात अबे ओहो अपने के रति भर भी ए बात नहीं भे ई बात एबो करते तो हम सब ई बात नहीं मानबे दू नंबर प्रदेश के असफल होना चाहिए ई बात हमरा सब के केंद्र से एबो करते तो हम सब नहीं मानबे लेकिन अखन तक ओई के बारे में हमरा सब के प्रदेश जैसे बढ़िया होना चाहिए एकदम क्लियर हम लोग के भेजने केंद्र से ठीक दोसर विशेष हले अहाँ सबके विरोध के कारण अहाँ सब भ्रष्टाचार के विषय में सवाल उठा रहा छी प्रदेश नंबर दू सरकार पर कत अनियमितता बुझाई अहाँ सबके हर जगह अनियमितता है बीरगंज में पोखरी निर्माण के लेल 13 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी लगेले नवल किशोर जी मंत्री जी हुनकर अपने जैसे बेटा है कि भतीजा है शायद मेयर है वही में तो 20 करोड़ की 25 करोड़ रुपया जैसे देने एक टाइम मान ले नीति निर्माण होइ छै एक दिशा आ काम कहाँ जहाँ करबे एक दिशा से थोड़े होता है नहीं नहीं होता है जब अहाँ कह रहल छियै तो अहाँ मंत्री छियै तो अहीं के एक केला एक टा बीपी यादव वाला काम तो सबके था है जेकि मैंने कागज पत्र में जैसे उपभोक्ता समिति गठन भक जैसे मैंने बहुत बात सब अगारी बढ़ली दोसर बात सिरहा जिला के आर्थिक मामला मंत्री सिरहे जिला के ओहो पेपर सब में अपने के जैसे ये ले है वो बात जेकि अपना भाइये के नाम पर संपर्क नंबर समेत द कऽ फलने दरे संपर्क करू करोड़ के करोड़ रुपया जैसे वही में जैसे मैंने ई सब भ्रष्टाचार नहीं तो कथी है अशोक जी आई के जवाब कथी देबे अब जे अब हमरा ई साथी के बार बार भ्रष्टाचार वाला बात आ रही देखी शुरुआत के जे हमरा सब के जे अभी अवस्था छै कि सरकार लगाए हरेक चीज में हम सब शुरुआती अवस्था में छी कहीं कमी कमजोरी चूक हो सकै छै नहीं हो सकै छै नहीं हम ई अपने के नहीं कहबै कि जे कमी कमजोरी नहीं है कमी कमजोरी के सुधारा पड़तै हमरा सब के डिबेट करे पड़लै जेना कि जब मंत्री स्तर से कमी कमजोरी होय ई त कतौ अपच नहीं बात ई ई कते तक मतलब अपने के सत्य है से त फिर त प्रूव करे पड़लै ना जे कोई भी व्यक्ति अगर जे भ्रष्टाचार करतै ओकरा कानून से बाहर नहीं जा सकै ओकरा कानून के द्वारा ना भी पड़तै या कोई भी व्यक्ति होय है ना हम तो ई कहबै अपने के ओहि ढंग के कहीं भी ओहन ढंग के सोच छै ओहन ढंग के गलत नियत से अगर काम हो रहल है ओहि पर हमरा सबके सब आदमी के सजग हो गए छै आवाज उठाबे के छै ओहन चीज के निष्पाह करनाय जरूरी छै लेकिन जान बुझ के हम एकटा ई कहे चाहबै कि आरोप प्रत्यारोप लगै छै नै सत्ता और मतलब अपने के
विपक्ष में विभिन्न ढंग के आरोप प्रत्यारोप अभी ये हम सब जो विगत में भी हम सब बहुत एहन अपने के संघीय सरकार के हम बारे में भी हम सब बहुत बार बार सुन ले छी जे मंत्री सब रहै छै अपने के और वो अपना क्षेत्र में ले गेली बजट विभिन्न ढंग के है कि नहीं ढंग के तो ओकरा कोन ढंग से हमरा सब के जेना कि हम सब समावेशी समानुपातिक मतलब हम सब विभिन्न ढंग के जे बात रख ले छी ना कि हम सब ई ढंग से संघीयता में हम सब यही ढंग के हिसाब से हमरा सब के चले जाए सबके प्रतिनिधि होवे चाहिए एक समान रूप में सबके मतलब बजट लगाए तो हरेक कुछ में मतलब जिम्मेवारी होय के चाहिए तो उस हिसाब के हम सब तो वही कहलिए कि हम सब साथी सब बैठ के अगर वह गलत कहीं मतलब प्रवृत्ति अथी बढ़ रहा है तो ओकरा निस्तार करे के लिए लेकिन बजट विनियोजन के सवाल में प्रश्न चिन्ह प्रदेश दू सरकार पर अहो लेल उठे छै जे जिला हिसाब से जखन बजट विनियोजन के बात देखी तो सबसे बेसी परसा गेल छै ते के बाद बारा गेल छै आ सबसे कम रौथा टा मरतरी में आयल छै सर सब अपने के सरलाही भी पड़ी छै अपने के और अभी के अवस्था में अपने के एकटा जना के लेकिन लेकिन बारा आ परसे में अहो लेल अब ई कनेक्शन अहो लेल जुड़ जेतै जे परसा से मुख्यमंत्री जी अवश्य छै आ बारा से जितेंद्र जी अवश्य छै एकदम सही वरीयता के हिसाब से अहां सब बजट ल जा रहल छी ई सवाल त जायज उठ जे नहीं छै एकदम सही बात है तो ओकरा ओकरा अपने के नियंत्रण करे के लेल हमरा सब के डिबेट जगह पर बात उठा पड़ले कि ई ढंग से नहीं होई लेकिन ई कानून विपरीते छै से हमरा नहीं लाग रहल है कानून में ई नहीं छै कि नहीं ई जगह पर बजट इतने जाए के चाहिए से बात हमरा ना लाग रहल है ओकरा लेल हम सब आवाज उठनाई जरूरी छै कि सबके समान हिसाब से देखे पड़ले पार्टी के भी भीतर में हम सब भी बात उठाबै छी लेकिन ओहि ढंग से मतलब ई चीज के बढ़ावा होना ही नहीं ठीक है ना तो ओई के लेल साथी सब जे द्वारा जे बात करले लेकिन हां रह गेली भ्रष्टाचारी वाला बात करी छी तो ओकरा ओकरा ऊपर अपने के सरकार और कानून के हिसाब से विभिन्न ढंग के अपने के अख्तियार लगाए बहुत एहन मतलब छै ई देश में ओई ढंग के ओकरा पर नजर रखे वाला ओकरा पर मतलब कानूनी हिसाब से मतलब जेना कि बीपी जी के बात आली तो उ त उनका जाय पड़ली ना भीतर अगर कानून से कोई खिलवाड़ करते गलत नियत से कोई ढंग से काम करते तो ओकरा त जाही के पड़ते अपने कानून एखन छोट सिन ब्रेक एक मिनट ब्रेक के बाद अपने से कंटिन्यू कर लेबे एखन दर्शकवृंद व्यावसायिक विश्राम के तरफ अग्रसर बढ़ पड़ रहल है आई हम सब प्रदेश नंबर दू प्रदेश सभा दू गोटे सदस्य के आमंत्रित केने छियन फोरम से छथि हमरा सबके साथ में अशोक यादव जी आ नेपाली कांग्रेस नरेश यादव जी दुनू गोटे संगे के चर्चा जारी रखबे करब छोट सिन व्यावसायिक विश्राम के बाद फिर आबे छी व्यावसायिक विश्राम के बाद प्राइम टाइम में फिर से स्वागत कर रहल छी दुनू गोटे दू गोटे अतिथि छथि हमरा सबके साथ में प्रदेश नंबर दू प्रदेश सभा सदस्य दुनू गोटे नेपाली कांग्रेस आ फोरम दिस अशोक यादव जी आ नरेश यादव जी छथि दुनू गोटे हमरा सबके साथ में ब्रेक से पहले अपने सब विभिन्न विषय में बातचीत केलहुँ नरेश जी अहाँ किछु कंटिन्यू करै छलियै भ्रष्टाचार के विषय में ओकरा कंटिन्यू भ्रष्टाचार के विषय में शुरुआते से जे छै ध्यान दियौ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जे प्रोग्राम भेलै तऽ जाहिमे बजट निकासा जे भेलै तऽ ओहिमे जे छै से आइ तक आइ के डेट तक ओ चर्चा भऽ रहल है मतलब विपक्षी दल के हिस्सेसँ कांग्रेसे या कम्युनिस्टे ने फोरमो के साथी सब सांसद सब भीतर में आ राजपा के साथी सब सेहो ई बात जे छै व्यापक रूप में रोस्टम में दादा के ई बात सब चिचियाए है ओही दल के साथी सब जेकि ओहिमे अनियमितता भेल है ओकर हिसाब किताब जे सार्वजनिक होना चाही एक बेर ने हाउसो अवरोध हमरा बुझाए कि कम से कम पांच बेर छह बेर हाउस अवरोध भेलै शुरुआत में तो अहूँ सब खूब विरोध के लिए एखन आबि कऽ तऽ गौन भऽ गेल छै ने ई बात कोन के मोदी जी के जे भ्रमण जे रहै तऽ शुरुआत में तो विरोध अहूँ सब के लिए जे खर्चा देखाओ केना की छै लेकिन एखन आबि कऽ तऽ शिथिल जका बुझा रहल छै बुझते बुझते हम सब थाइ गेलियै तऽ छोड़ देलियै अते नहि नहि छोड़ने छियै एखन कोइ नहि छोड़ने छियै आ हाउस अपने के दू महीना के बाद डेढ़ महीना के बाद एक महीना के बाद होइ छै आ फेर स्थगित भऽ जाइ तऽ ताहि दुआरे समय नहि पाबि कऽ ई चलते हाउस कंटिन्यू हुए लगते तो फिर वो बात चर्चा हेबे करते चर्चा अब का हाउस ही अवरोध है बात वैसे बात नहीं है लेकिन ई बात अपने के जैसे सतह में औते ई बात चर्चा हेबे करते आज के डेट तक मैंने अते दिन भ गेले लेकिन जैसे कथी कहे छे प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री के अध्यक्षता में वो कमिटी गठन भेलै पैसा निकासा भेलै लेकिन पैसा कतौ गेलै आज तक हमर हिसाब नहीं देने के मतलब कथी है कतौ न कतौ मोदी जी के भ्रमण पर से क्वेश्चन उठे छे अते के बाद योगी जी के जे भ्रमण रहे ओहो पर बराबर इतनी बड़ा जैसे कि सरकार द्वारा इतनी बड़ा अपने के मित्र राष्ट्र अपने के भारत के प्रधानमंत्री और उनके मुख्यमंत्री जी के अपने के यहाँ आगमन होइ छै प्रदेश में और एकर उपलब्धि एकर ई सम्मान के एकटा बुझियौ जे प्रदेश सरकार द्वारा सम्मान भेलै ई अपने के जग जाहिर छै ने और स्वाभाविक छै ई बात सब उठलै सही बात छै लेकिन ई जानकारी राम नरेश जी के होय के चाही साथी के ये बात पटक पटक उठली और अपने के सरकार द्वारा अपने के हिसाब किताब के संबंध में हरेक खर्चा के अपने के बारे में कांतिपुर के अपने के पत्रिका लगाया अपने के विभिन्न जगह अपने के उस चीज़ के अपने के देल गेल छै ई जानकारी है कि नहीं ई जानकारी कैल जाए सिर्फ बात उठान देना ठीक छै बात उठलै सत्ता पक्ष और विपक्ष से दोनों तरफ से बात उठलै कि की छै एकर खर्चा के जानकारी लेना जनता सूचना देखाओ में की दिक्कत छै देखल जाओ कोई भी अपने के देखले हो भाई जना कि खास करके हम अपने के कहे चाहब
छियालीस साल के अपने के जे छियालीस साल अभी तक में अपने के जे प्रथम रहने के बाद में छियालीस साल में खास करके 2046 साल से लेकर 28 साल के शासन में अपने के नेपाली कांग्रेस और अपने के कम्युनिस्ट के ज़्यादातर अपने के सरकार में रहा है। और ये बात बुझा के चाहिए कि विभिन्न ढंग के अपने के जो भ्रष्टाचार के बात लगाए विभिन्न ढंग के एहन सवाल सब उठले बहुत बड़ा बड़ा घोटाला जैकि हमारे सबके ये भी तो शुरुआत है ये में बहुत एहन काम करे के भी मतलब ओते हमरा न लाग रहा है कि परिपक्व लोग सब है लेकिन शुरुआती समय से कहीं कमी कमी कमजोरी हो सके सुधारे के मतलब मौका भी है अभी ज़्यादा बिगड़ल नहीं कोई चीज हम सब सुधार सके हम सब चाहे कि प्रदेश के सबसे खास करके देश में भी एक नंबर प्रदेश में हरेक हिसाब से इनका मतलब कहीं भी अपने कोई ढंग के भ्रष्टाचार चाहे कहीं ढंग के वो ढंग का नियमता वही ढंग के नहीं हुए सब आदमी हम सब सजग रही क्या हम सब बहुत संघर्ष करके बहुत दुख झेल के हम सब चीज़ के मतलब प्राप्ति कैले चीज़ को सही घुमा देना नहीं हमारा सबके बिहान के दिन में आवे वाला पुस्ता हमारा सब पर बहुत बड़ा सवाल प्रश्न बात सकती है बात लेकिन हाउस में देखा में की दिक्कत हाउस में तो ये अपने की बुझे हाउस में कोई भी हिसाब किताब कहीं भी कोई भी देश में हिसाब अपने के खर्चा हाउस में तो नहीं देखा यदि मांग भ रहल छै तो देखा में की दिक्कत जेना कि हमरा जना लाग रहल ओकर त है न ओकर निकाय छै ओ जगह जगह जाके अपने देखियौ जहाँ जे मंत्रालय से जे जगह से उनका खर्चा भेल छै ओ खर्चा के अहाँ के देखे छै मंत्रालय तहत देखा में कोनो दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाएल गेल छै न अपने के पत्रिका में भी अपने के कांतिपुर में भी अपने के खर्चा के बारे में संबंध में सब कुछ रखल गेल है ना वो अपने के देखे पड़े हाउस में अपने हाउस में जे बात है हाउस में बात कर देना चाहिए ना फलना जा देख लिया सुन सरकार द्वारा ई बात के भी रखल गेली बात जब उठला के बाद में जवाब मिलल छै कि ना अपने के बैठक में अपने के रही कि न रही लेकिन अपने जानकारी करूँ कि सरकार के तरफ से जो भी मोदी जी के समय में योगी जी के खर्चा जो भी मतलब भेल छे वो अपने के एकदम प्रष्ट रूप में अपने बोल के देखल जाओ आरोप लगा देना से ही मतलब ये हम अपने के हो चीज एगो विपक्ष के ही मतलब भूमिका है खाली सिर्फ आरोप लगावे के सुनो हरेक चीज के अपने के सिस्टम में लावे के सुधारे के अपन विपक्ष तो सहयोगों के नहीं ठीक नहीं एकदम बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहिए हमारा सबके खास करके एक प्रदेश में विपक्ष के भूमिका सब रही बहुत सराहनीय उनका साथी सबके मतलब हम सब मिल वही हिसाब से हम सब चाहे आवे वाला दिन में भी जैसे कि हमारे प्रदेश के नामकरण के संबंध में भी मतलब उठ रहा है जैसे राजधानी के संबंध में सब आदमी मिल के एक मतलब जल्दी से जल्दी एक मतलब अथी अंतिम अथी पर जाए कि नहीं जरूरी है और प्रदेश के अपेक्षा में प्रदेश के बहुत बड़ा एक मतलब बुझू कि अपने के योगदान बुझू परिवर्तन लावे में हरेक हिसाब से अपने के दुनिया के नज़र में प्रदेश के ऊपर बहुत बड़ा एक अभी भी मतलब नजर है प्रदेश नंबर दू की कर रहा है लेकिन तो यही हिसाब से भी मतलब हमारा सबके मिल के चल नहीं जरूरी है हम तो खास करके ये नरेश जी अ विषय पर अंतिम टिप्पणी जे मंत्रालय तहत जानकारी लेब में की दिक्कत है यहाँ सबके हाउसे के डिमांड के नहीं नहीं हाउस में जना मांग भेले ना तो मंत्री जी हो या हुनका मंत्री जी के सट्टा में दोसर मंत्री जी के बजे तो ये बात सीधे कह देना चाहिए फलना मंत्रालय में जाकर अपने सब हिसाब किताब ओहो बात सब नहीं हो हाउस में इो बात सब कम से कम एना चाहिए हाउस में जो कि ठीक है फलना मंत्रालय में जाकर दीजिए देखो या हाउसे में सभामुख के कार्यालय में लाइव टैंक देते यो होते ना हाउस में नहीं देते सभामुख जी कार्यालय में लाइव टैंक देते यो सब देख लेते हो अब हर एक खर्च के जो विवरण टांगा रखता तो हर एक खर्च पर बातें नहीं उठ रहे हर एक खर्च पर बातें नहीं उठ रहे ये मोदी जी के संभव नहीं सकता लेकिन जो संभव है जब अगर हिसाब किताब मिल गए अहाँ के अपने दल के सांसद सब अहाँ के जब मांग रहा है हिसाब किताब हम सब विपक्षी छी हमरा सब के बातें छोड़ू अहाँ के अपने दल के मांग रहा है मतलब अहाँ अपनो दल में पारदर्शी कर रहा पारदर्शी दल में नहीं होइ छै सब कोई भी मतलब अगर विकास के चीज कोई भी हिना मिना चाहे कोई भी मतलब अपने के कमी कमजोरी दल में सिर्फ नहीं होइ छै उस जगह संबंधित निकाय छै उस जगह पर भी जाके अपने के क्वेश्चन कर सकै छी सवाल कर सकै छी ओहि जगह से सूचना जेना कि हम सब कहै छी सूचना के सबके अधिकार छै ना आम जनता भी ओ सूचना ले सकै छी हम सब की मतलब संसदे मानिए सबका है आम जनता के भी मतलब उनका सरकार वाला विषय छै विषय में अशोक जी एगो चीज प्रश्न कर दी सूचना के अधिकार के तहत एक जना पत्रकार एतय से विवरण मांगने छला ओय के जवाब एखन तक नहीं भेटल छै हम सब हाउस में भी मतलब हमसे मंत्री जी के द्वारा ही बात सब रखल गेले कि अपने के हिसाब ई ढंग जे छै और अपने के कांतिपुर के अपने के तीनों पत्रिका में भी बात सब आयल छै कांतिपुर में दे सके छी प्रदेश भीतर के एकदम दे सके छी एकदम कलम दे सके छी एकदम दे सके छी और ई जे अपने जे बात रखलिए तो हम सब जगह पर जाके बात के रखबै और प्रदेश बाहर के कनी चर्चा करी समय एकदम कम रहल छै अहाँ सब जे बजट अधिवेशन शुरू भेलै संघीय सरकार में पहिल के बैठक में अहाँ के पार्टी के प्रतिनिधि सभा के सदस्य राजेंद्र श्रेष्ठ जाकर कहे छथि जे हम सब आब यदि संविधान संशोधन नहीं हेतै त छोड़ देबै ओय के काल भेने तै के बाद
प्रचंड जी के अभिव्यक्ति अबे छै सरकार गिराबे के खाली धमकी मात्रे द रहल छी कि ठीक है में बैक होबे के छै सब एकदम देखियो अपने के पटक पटक ई बात सब हो रहल छै हमरा सब के जे सहमति हिसाब से हमरा सब के जे सरकार में गेल छी अगर संविधान संशोधन नै हो रहा होतै त हमरा सब के सड़क में जाही पड़तै ई हमरा सब के एकदम अपने के निश्चित छै कि नै एमे कोई दुमत के बात नै छै कि नै और ओकर समय अवधि सरकार से अब कोन ढंग के हमरा सब के जे समय अवधि के अथी हो रहल है ओहि हिसाब से एक साल त रह गेलियै नै अहाँ सब पहल तो होइए रहल छै ना अध्यक्ष जी द्वारा पटक पटक ई बात उठ रहल छै ना अपने देखित होबै मीडिया के मतलब अथी में कि पटक पटक बात रहल छै और हम सब एकदम पूर्ण रूप से अपने मतलब बुझौ कि अगर हमरा सब के मतलब जे सहमति भेल छै ओहि सहमति से अगर सरकार अपने के जे मेन अपने के जे सत्ता में रहे वाला लोग अगर वो नहीं स्वीकारते तो हमरा सत्ता में तो एखन अहूँ सब ठीक छै सत्ता में हम सब एकटा सरकार के हम सब सत्ता के एकटा मतलब हम सब बुझू ना मतलब घटक रूप में हम सब छी ओहि में लेकिन हम सब भी मतलब पटक पटक ये बात अपने के बार बार हम सब उठा रहल छी कि बहुत जल्दी जल्दी से जल्दी एक चीज के समस्या समाधान होय के चाही अगर ना होय छै त हम सब बैठ के पड़तै एक साल नहीं तीन साल आरो उपेंद्र जी तीन साल आरो सरकार में रह बुझल कन्फर्म चार साल है जब चुनाव घोषणा हो के समय हेतु तब उपेंद्र जी सरकार में से आबके चिटिया लगा ठीक है तो नेपाली कांग्रेस से कहाँ उठा रहा है नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस से मैंने पहले जे बेर में नेपाली कांग्रेस सरकार रहे तो उ तहु बेर तहन रहे जे पारित भेलै ना लेकिन नहीं करे नहीं 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 वो बहुमत नहीं पुगले ना ताहि दुआरे नहीं करे लेकिन अखन जिम्मा तो लेबे पड़ल हाँ जिम्मा ले क्लियर बात है अखन को जे प्रस्ताव ये संशोधन प्रस्ताव कोई भी अधिकार मिले अगर अभी अपने जे सत्ता से बाहर छी तो विभिन्न ढंग के बात उठाने नरेश जी जेना जेना अहाँ अंक गणित के बात कहलिए ने अखन तो हुनको सबके फेवर में नहीं छै मैथिल संघे समाजवादी फोरम मात्रे अपन सांसद संख्या लक तो नहीं करा सके छै अहु सब वा कहै छी जे जहिया हम सब छनो त अंक गणित हमरा सके नहीं पुगल लेकिन संविधान संशोधन संविधान जहिया निर्माण होय छलै सत्ता में त अहाँ सब छलिए त तहिया कैला ने ई जे बाद में समस्या आते तहिया कैला निवारण क दिए नहीं समस्या आवे है एके बेर समस्या सब समस्या के समाधान नहीं भ सके समस्या आवे नहीं देती है नहीं नहीं समस्या नहीं वाला बात नहीं कतनो वहाँ कुछ होकर लेबे ना कतनो वहाँ कुछ होकर लेबे तो समस्या आबते जेते तो उस समस्या के अबैत समय में जाकर ओकरा निपटारा जैसे करे पड़े अखन परफेक्ट समय है अखन मधेसी दल के लिए परफेक्ट समय है जब मधेसी के बात अपने के सारा पति है के बहुमत के सरकार है अखन चाहे तो अखन कुछ भ सके वही में कांग्रेस समर्थन रहते जब इस समय में अपने के सहयोग जिस समय में अपने के जब इतनी बात अपने कांग्रेस के लोग सब साथी सब जो उठा रहा थी नेता सब उठा रहा थी समय में अपने सब मधेश के जनता के साथ अपने सब भी बेईमानी हिसाब से देख लीजिए अगर अपने सब चाहले रहती है सत्ता में सबसे ज्यादा अपने के देश में कांग्रेस ही रहेगी अगर अपने सब समय पर चाहल रहती है तो समस्या समाधान हो गई अशोक जी अहाँ सब के जे चुनाव बेर में पार्टनर छला राजपा जिनका साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है वो तो सत्ता में नहीं गए अहाँ सब जल्दी चल गई सत्ता में ई कैले नहीं नहीं जाओ सत्ता में जाए ना ही अपने के जाओ जब तक हम सब नहीं जब तो नहीं है गेला में दू तिहाई बहुमत जब मतलब हम सब एक दू तिहाई बहुमतों पुगा के छे ना सहमति से ही अगाड़ी बढ़ल छी सरकार में और सहमति अगर नहीं करते कम्युनिस्ट पार्टी तैयार हेतै अगर तैयार नहीं होतै तो हम सब फिर आंदोलन के शुरुआत हम सब सड़क पर फिर आके हम सब आंदोलन कर केन कहिया जना वो कहले तो समय छै समय अवधि छै ओकर समय सुन तीन वर्ष ओकरा सब हमरा सब के केंद्र लेवल के हमरा सब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगाए हमरा सब के जे नेता जी सब छत उ सब अपने के सहमति उ सब वार्ता कर रहल छत अगर उनका सब के बात नहीं मिले वाला होतै उ सब नहीं तैयार होतै तो हमरा सब के त उनका सब के एकटा की होय छै एकटा जिम्मेवारी वहन करे वाला मतलब बुझो ना कार्यकर्ता के रूप में सिपाही के रूप में हम सब के निर्देशन होते हम सब फिर आंदोलन के अपने के अच्छा ठीक संघीय सरकार के काम करवाही से कते खुश छी अहाँ सब विरोध तो करते रहे छी लेकिन तैयो दू तीन गो बात यदि जोड़ा देबे जे अइ काज से नहीं खुशी अइ काज से नहीं खुशी की छै संघीय सरकार के काम काज में अब साफे नहीं निमन सब ठीक कह रहा से बात नहीं है लेकिन बेसी चीज नहीं निमन कह रहा है अधिकांश हाँ अधिकांश चीज नहीं निमन कह रहा है कर वाला देखियो कते जैसे उत्कृष्ट चरण में जैसे पुगा देलकै अ के प्रत्यक्ष मार मानि लिए जनता में पड़ रहा है
प्रत्यक्ष मान जे जनता में पड़ल सरकार के सबसे बेसी जैसे निगरानी वही बात होना चाहिए सबसे बेसी पहल होना चाहिए कर वाला बात है तकर बाद एहने बहुत बात सब है जे सबके जैसे मान लिया लेखा जोखा करबे तो नहीं निमन बात है सरकार के। अशोक जी ओना तो सत्ता में अहू सब छे लेकिन एगो पार्टनर मात्र तई हो अपने सरकार से अपन सहभागी सरकार में कते खुश छी संगी सरकार के काम करवाही से देखियो जना कि अपने के ई तो बुझल है ना ई देश में सत्ता खास करके हम सब तो एक सहकार के रूप में एक सहमति के रूप में हम सब सरकार में गेल छी और हरेक जगह ओकरा सबके अपने के बहुमत कहू या मतलब उनका सबके जो उपस्थिति छै ओही हिसाब से संतुष्टि आब देखल जाए हरेक निकाय में हरेक मतलब मंत्रालय अंतर्गत विभिन्न ढंग के कार्य भेल रहल छै ओहि में बहुत साथी सब हमसब मतलब ओहि ढंग से उनका सबके क्रियाकलाप छै उनका सबके कार्य संतुष्ट नहीं हो सकै छै लेकिन तपर भी हमरा सबके मेन उद्देश्य खास करके संविधान संशोधन के वाला बात छै हमसब संविधान संशोधन के लेल हमरा सबके अधिकार के लेल लड़ाई एते संघर्ष के लिए ओहि के लेल मात्र हमसब सरकार में बुझल जाए छी संतुष्ट देखल जाए संतुष्ट असंतुष्ट के बात ही नहीं अबै छै सिर्फ हमसब संविधान संशोधन के लिए वहां अपने काज भर रहले ते आखिर में तो बुझबे ना किस्त हेते ने मूल्यांकन अपने कर रहले में संतुष्ट और या असंतुष्टि के बात नहीं छै मेन अपने के उद्देश्य छै जे उद्देश्य के लेल हम सब सरकार में गेल छी उ उद्देश्य अगर पूरा नहीं होय छै त हम सब फिर सरकार के ठीक एक बार बात आइब रहल छै एकीकरण के अहाँ सब के राजपा संगे शुरू में बात चलल छलै नया शक्ति संगे एखन जोरदार रूप में आगे आबि रहल छै ककरा संगे पहिले हम सब खास करके राजपा और अपने के जे हमर सब के जे अभी बाबूराम जी भटाई जी के जो पार्टी छै नया शक्ति तीनों अपने के मतलब एकीकरण के अभी बात अभी चल रहल है जानकारी है या नहीं हम जानकारी देबे चाहबै कि मतलब राजपा और अपने के नया शक्ति और फोरम के बीच में एकीकरण हो जा रहल छै मतलब तीनों पार्टी मिलकर एक पार्टी यहाँ से बनी जी 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 आई में कतेक विश्वास छै ओना नया शक्ति के बात बेसी आबि रहल छै राजपा के कम आबि रहल छै नहीं राजपा के भी अपने के वार्ता चल रहल छै वार्ता अगाड़ी बढ़ रहल छै कि ना खास हम अपना बुझब त शब्दो ई बुझू कि हमरा सबके तीनों मतलब पार्टी के एकीकरण के समय मतलब ठीक नेपाली कांग्रेस पार्टी एकीकरण के केना देख रहल छै बढ़िया है पार्टी एकीकरण बहुत बढ़िया बात है नेपाली कांग्रेस एक के जैसे बढ़िया देख रहा है ऐसा अहाँ सबके कोनो ध्यान तकलीफ नहीं कोनो तकलीफ ठीक अंतिम प्रश्न राखे जाब आप प्रदेश नंबर दू के प्रदेश सभा बढ़िया जका सुचारू हो काम कार्यवाही सब हो एहन कानून सब पारित हो लगात जे काज होइ छै ओहि सबके लेल अहाँ की पहल करबै ताहिके बाद हम अशोक जी तरफ आबै छी ओहि सबके लेल तऽ हम व्यक्तिगत रूप में तो जैसे चाहे हमारा पार्टीगत रूप में तो पहल तो निके से हो रहा है हमारा सबके नहीं अवरोध तो ऊ तब जैसे देखियो पहल के बाद जहाँ तक है एक दू गो ऐसे कहीं बैकवर्ड जाए हम विभिन्न मान लिया कानून सब जैसे मान लिया बनौल के तो वही में नेपाली कांग्रेस आँखि मिन के समर्थन कर दिल्कि एक एहन कानून बनौल के एगो एहन विधेयक लग गए जैसे देखियो केहन बात कर दिल्कि कर्मचारी भरना करार में कर्मचारी भरना संबंधी वही में पहले की भेले बात जेकि मुख्य सचिव के अध्यक्षता में होना चाहिए और जैसे समिति बनना चाहिए लेकिन फिर की भेले नहीं भेले कौन मंत्र चले या मुख्य सचिव हमर बात नहीं मानत कि सरकार के लगले कि बाद में की गल था महान्यायाधिवक्ता के अध्यक्षता में बना देलगे कते नहीं निमन बात कल के अहाँ नियुक्ति केने छी महान्यायाधिवक्ता के ओकरा अध्यक्षता में आदेश कर्मचारी भरना केने बना देलगे अच्छा अगला बैठक जे बैसते तो फिर अवरोध हेते या बहस के लिए तैयार रहबे अगला बैठक में एहन बात है आई के बैठक में जना अवरोध भेले तो किछ बात सब भेले ओइसे पहिले जे है से किछ बात होय के संभावना है आ सरकार पक्ष से हम सरकारों के आग्रह करबे सरकार सरकारी पार्टी के जे है से मतलब छथिन प्रदेश सभा सदस्य जी हम इनको से आग्रह करबे जे कि अगला बैठक बैठे से पहले जे समस्या सब है आंतरिक रूप में जे समस्या है ओ समस्या के समाधान भ के प्रस्तुत होना चाहिए अशोक जी अहाँ के तरफ से की पहल रहते पार्टी एकदम अपने जो पूर्ण रूप से पहल होते हम सब चाहे हम सब के मतलब सहकार करके सहमति करके अगाड़ी बढ़ अभी के समय में वही ढंग से एक दूसरा पर आरोप प्रत्यारोप लगा के हम सब इस प्रदेश के उन्नति और समृद्धि तरफ नहीं जाए इससे हमारे सबके सबके घाटा होती है अभी के समय से सब आदमी मिल के और कोई कहीं कमी कमजोरी से तो एक वार्ता द्वारा समस्या समाधान करके अगाड़ी बढ़ल जाए खास करके हम ये कहे चाहते हैं दोनों गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपन अपन विचार रखते हैं धन्यवाद अपन टीवी के संपूर्ण परिवार के धन्यवाद दर्शक बिंद आई के प्राइम टाइम के समय हमरा सबके एते समाप्त होते फिर से उपस्थित हेबे करब ताधर के लिए संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदा मांगे छी अपन टेलीविजन देखित रही नमस्कार।